एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मॉइस्चराइजर के बारे में, क्योंकि काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास कि आप कुछ मॉइस्चराइज़र बताइए समर्स के लिए। और तो मैंने जो मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ वो सिर्फ मैं समर्स में जो यूज़ करती हूँ वही मैं इवन विंटर्स में भी यूज़ करती हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे एक ही मॉइस्चराइज़र लगाना अप्लाई करना अच्छा लगता है दोस्तों, क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है। तो मैं हमेशा ऐसा ही प्रोडक्ट यूज़ करना चाहती हूँ समर्स में भी विंटर्स में भी, जो मेरी जो स्किन है उसको ज़्यादा ग्रीसी ना बनाए, ज़्यादा चिपचिप जो आपको लगती है समर्स में कोई भी क्रीम लगाने के बाद तो वैसा लगे। तो दोस्तों वो क्रीम काफ़ी अच्छी है जिसके बारे में अभी आपके साथ बात करने जा रही हूँ। आप लोगों ने काफ़ी इसको यूज़ भी किया होगा दोस्तों, डेफिनेटली यूज़ किया होगा। काफ़ी अच्छी क्रीम है, इसको मैं 3 ईयर्स से यूज़ कर रही हूँ एज अ मॉइस्चराइज़र। समर्स में, विंटर्स में, मानसून में, मैं हर सीज़न में इसी क्रीम को यूज़ करती हूँ। तो दोस्तों ये क्रीम है लैक्मे पीच मिल्क सॉफ्ट क्रीम 24 आवर मॉइस्चराइज़र लुक। सो दोस्तों काफ़ी अच्छी क्रीम है ये देख सकते हो दोस्तों आप। मैंने सारा फिनिश कर लिया है, ये टब मेरा 250 ग्राम का टब है, मैं इसको डेफिनेटली पूरा यूज़ कर चुकी हूँ। मैंने नायका से परचेज किया था दोस्तों, इसमें 100 ग्राम भी आता है, 350 ग्राम भी आता है, मेरे पास जो है 250 ग्राम है दोस्तों। तो इसमें मैं बात करूँ, इसमें पैराबेंस तो है बट ऐसा कुछ नहीं है जो इसने मुझे हार्म किया हो। मैं थ्री ईयर्स से यूज़ कर रही हूँ, कोई भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें जो मुझे हार्म करे मेरी स्किन को। काफ़ी अच्छा है। और इसकी मैं टेक्सचर की बात करूँ तो इसका जो टेक्सचर है काफ़ी अच्छा है। ये क्रीम पिंक कलर सा है, लाइट पिंक, बेबी पिंक सा है बहुत ही, और काफ़ी अच्छी तरह ये एब्जॉर्ब हो जाता है आपकी स्किन में। और इससे जो आपकी स्किन है काफ़ी देख सकते हो दोस्तों, इसमें जो काफ़ी है कि आपको जो स्किन है एकदम शाइनी लगेगी, लुकिंग लगेगी, एकदम से ब्राइट लगती है दोस्तों। इसमें कोई भी ऐसा चिपचिप आपको फील नहीं होगा। ऑयली स्किन वालों को मे भी ये सूट ना करे, कॉम्बिनेशन स्किन वालों को मे भी सूट कर सकती है। तो ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी जो आप लोगों को क्रीम सूट करे, जो मेरे पास अभी होगी। सो दोस्तों अभी मैं बात कर रही हूँ नॉर्मल टू ड्राई स्किन के बारे में। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी क्रीम है, डेफिनेटली बाय क्रीम है, आपको ज़रूर एक बार ट्राई करना चाहिए। काफ़ी अच्छा है इसका टेक्स्चर। और इसमें जो ये क्लेम करते हैं कि ये आपकी स्किन को 24 आवर मॉइस्चराइज देगा, तो 24 आवर तो मुझे मॉइस्चराइज नहीं मिला, बट मैं जब इसे यूज़ करती हूँ तो मतलब मेरा एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स तो डेफिनेटली ये काम करती है। 24 आवर्स मैंने इसको कभी ट्राई नहीं किया है। अगर आप लोगों ने ट्राई किया हो उसको 24 आवर्स का तो प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो मैं तो हर सीज़न इसी को ही यूज़ करती हूँ, लैक्मे पीच मिल्क को। काफ़ी अच्छा है, अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा। छोटा जो इसका टब आता है 100 ग्राम्स का, वो आपको सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ में मिल जाएगा। अगर आप नायका से बाय करोगे तो नायका पे तो हर वक्त डिस्काउंट भी चलता रहता है, तो आपको 100 वाला टब मे बी समथिंग 85 और 95 में भी मिल सकता है दोस्तों। तो काफ़ी अच्छी क्रीम है ये, डेफिनेटली एक बार बाय करना चाहिए आपको। अगर आपने ये यूज़ ऑलरेडी करा है तो प्लीज़ इसके जो आपके रिजल्ट्स आए हैं मुझे ज़रूर कमेंट डाउन करके बताइएगा। आई होप दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दिएगा। अभी तक मुझे मालूम है आप लोगों ने सब्सक्राइब तो किया नहीं होगा चैनल को, तो प्लीज़ जल्दी जाइए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दिएगा दोस्तों। उसी से आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगी मैं कब कब आपके लिए अच्छी सी वीडियोज़ बना रही हूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, स्टे होम।